पीएम मोदी का स्वच्छता अभियान कन्नौज जिले में दम तोड़ता नजर आ रहा है। यहां के एक गांव का हाल यह है कि सफाई न होने से पूरा गांव गंदगी और कूड़े का ढेर नजर आ रहा है। गंदगी और जलभराव के चलते गांव में मच्छर जनित बीमारियों का प्रकोप है, लेकिन जिम्मेदारों की आंखें बंद हैं। आइए दिखाते हैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की धज्जियां उड़ाती यह रिपोर्ट में। भैया नाला ही है, पानी के लिए बड़ी भागई वाली बच्चा हुआ, रात बिरात जा शहर संगूर फाट जा रहा, तो का हुई एक बच्चा को तो कुत्ता ने हुआ अंधेरे में बराने ने खाई लो। अच्छा, पानी की समस्या ज्यादा है? हाँ, पानी की समस्या बहुत भैया। और एक समस्या हमें रोड की बहुत समस्या है, मतलब रास्ता नहीं निकलने का। नहीं है रास्ता किसी प्रकार का, किसी प्रकार ही नहीं। इस जलमंजनी है, इसी माँ चले, इसमें तीन चार बेबीज कहाँ पर है मोटी मोटी। आप इस झोपड़ी में रहते हैं, क्या समस्या आपको? भाई हमारी सरकार लोग सुनते ही नहीं, सारे जीवन बतीत हुई हो, हमको कॉलोनी नहीं मिली, ऐसी जगह नहीं जो खटिया में पनीर डालना। आपने प्रधान से नहीं कहा था कुछ? खूब कही, किसी चार पांच प्रधान हुई हमारी, किसी ने नहीं सुनी। कोई हजार ठग लगे, कोई 2000 ठग लगे, के लिए सुनी हमारी काउन ना। आपसे प्रधान पैसे ले गए थे? हाँ, पैसे ले गए थे, 5000 है। सुरेश प्रधान आते भी ले गए थे, वे तो खत्म हुई है। अब जी प्रधान में कोई सुनता ही नहीं। क्या समस्या आपको? समस्या यही है कि रहने के लिए कछु है ही नहीं, आदमी मजदूरी करते गए। मतलब आप इसी झोपड़ी में रह रही हैं, इसमें कीड़े मकोड़े नहीं आते क्या? हाँ सर, सब मेरे लिए न रहने को है, ना मेरे पास कोई आवास, जो रहने बसने की झोपड़ी में ऐसे डरे रहते हैं। पन्नी बहु फटी और भींजते गजते तब लड़कन के घर में घुस जाए, एक छोटा लड़का है उसके घर घुस जाए। आपके घर में पति नहीं है? आपके पति भी खत्म हुई है हमारे, पति होते फिर कोई कमाने बात वाला नहीं। कोई नहीं आपके? कोई कमाने वाला नहीं, छोटे छोटे बच्चा है, कोई 5 साल को है, कोई 10 साल को है, बस इतने ज्यादा कोई बड़ो नहीं, बड़ो है सब, वो कोई भैया खाए कमाए नहीं पाए रहो, ना कुछ लाए पाए रहो, ना कुछ पूर्ति कर पाए। आपने प्रधान से नहीं कहा था कुछ? कहा तो सब, हम उनके पास हम गए ही नहीं थे, बेना ये ना ना उनसे हमने कुछ कह पाई है। आप मगर एक बार आए थे, सो नल की सूचना करिए थे और चले गए। क्यों, पानी की समस्या है? हाँ, पानी की बहुत ज्यादा है, नहाने के लिए फितरा 10 दिन 8-8 दिन पानी, सब नल बिगड़ी है, रिबोर डरे है, किसी से पानी एक बल्टिया तक नहीं भर पाए रहे हैं, जो पानी से बढ़िया करके नहा लो और गोरु उनको पिवा लो। आपको रास्ते में? रास्ता नहीं है साहब मेरे पास, रास्ता आगे तालाब भरो है, कौन निकलवे कि ना इधर निकलो, तो मोहल्ला पड़ोस वाले से लड़ाई होती, इधर निकलो तो सब मुंबई में कुदक कुदक के रहते हैं, पैर कपड़ा समेट समेट बाहर निकल के जाते। नालियों में कचरा भरा हुआ बहुत ज्यादा कचरा है, आगे तालाब और किनारे सब साइटन से भरो है। आपके यहाँ डेंगू और? हाँ डेंगू है, बहुत ज्यादा डेंगू बगरो है, जो कहे जब मच्छर घुसे और नाली साफ कहूँ है ना ही, कौन जगह खंजड़ा है ना ही, तो साहब हम करें का, वे तो बीमार पर ही गए और रहने के लिए। इनके कोई भी काम सारे ठोंग है और ये झूठे लोग, इनके पास में सिर्फ काम बचा है झाड़ू लगाना, बाकी आज जनता जान चुकी है पूरे उत्तर प्रदेश की, ये झूठे लोग हैं। कन्नौज में काम समाजवादी पार्टी ने कराया है और ये कहते हैं कि हमने कराया है। क्या झाड़ू लगाने से जनपद साफ हो रहा है? नहीं नहीं, ये खुद साफ हो रहे हैं। तमाम ऐसे गाँव है जहाँ पर गंदगी मौजूद है, तमाम जो है लोग बच्चे से लेके बूढ़े बुजुर्ग तक सारे लोग बीमार हो रहे हैं। हर जगह पर जो है स्वच्छ अभियान के तहत ये चला रहे कार्यक्रम, लेकिन सबसे ज्यादा गंदगी वहीं पर है जहाँ पर ये झाड़ू लगा रहे हैं। अतः जी स्वच्छता भी जरूरी है, लेकिन एक बड़ी समस्या ये है, गंदगी है, डेंगू वायरल लोगों को परेशान कर रहा है। तमाम लोग हजारों मर चुके हैं। आज हमारे पड़ोस में जो है वो खलील साहब की बेटी खत्म हो गई, वो भी स्वच्छ अभियान के तहत खत्म हो गई, जबकि वहाँ पर तमाम झाड़ू लगवाई जा रही है, ये सब कर रहा है। कहीं पर भी धरातल पर कुछ भी नहीं है, ये केवल मीडिया को दिखा रहे हैं, अखबारों में दिखा रहे हैं, धरातल पर जमीन पर कुछ भी नहीं है इनका, और हर जगह पर गंदगी दिखाई पड़ रही है और हर जगह पर लोग बीमार हो रहे हैं और इस बार भी हो रहे हैं। बच्चे ज्यादातर हमारे आज 2-3 लोग यहाँ कन्नौज में खत्म हो रहे हैं। कहीं कागजों में सफाई दिखाई जा रही है? सिर्फ कागजों में ही ये सब कुछ दिखा रहे हैं, बाकी कहीं पर कुछ भी नहीं है इनका, चाहे ये हमारे प्रधानमंत्री जी हो और चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हो, ये हर जगह पर केवल जो है काम दूसरे कर रहे हैं और ये दिखाए अपना रहे हैं। यह
ये अभी प्रकरण संज्ञान में आया है, छिब्रह्म ब्लॉक के रोहरी ग्राम पंचायत का एक काजीहार मजरा है। क्योंकि अभी दो दिन पहले बारिश भी हुई थी तो इसकी वजह से कुछ वहाँ पर पानी इकट्ठा होने के कारण कुछ गंदगी इकट्ठा जमा हो गई है। आप रिपेयरों से मेरी बात हुई है कि संबंधित वीडियो के माध्यम से और वहाँ के जो सफाई कर्मी हैं उनके माध्यम से तत्काल इस समस्या का निस्तारण कराना सुनिश्चित कराएं। उनके लिए